हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा में जो हमें टेंपल्स मिलते हैं देखने को वो कैसे होते हैं। सबसे पहले जो ये टेंपल्स हैं उड़ीसा वाले, इसमें आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, आर्किटेक्चरल फीचर्स में हमें तीन चीज़ मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो शेप है, बेसिकली मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो आर्किटेक्चरल जो एक बिल्डिंग की शेप है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि बिल्डिंग की जो शेप होती थी वो कौन कौन सी प्रकार की मिलती हैं हमें उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के टेंपल्स में। तो देखो, सबसे पहला जो है, उस सबसे पहली शेप का नाम तो है रेखा दियोल, ठीक है, रेखा दियोल, ठीक है। दूसरी है पीधा दियोल, पीधा दियोल, और तीसरी है खाकरा दियोल, खाकरा दियोल। ये तीन टाइप की शेप जो है हमें उड़ीसा के टेंपल्स में देखने को मिलती हैं। ये बिल्डिंग की शेप है, ठीक है, कि बिल्डिंग जो है वो कौन सी शेप की है, ठीक है। तो मतलब अब रेखा दियोल के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखो, रेखा दियोल टाइप जो बिल्डिंग होती है ना, वो होती है कर्वीलीनियर, ठीक है, जिसका शिखर जो है ऐसे कर्व होता है, ठीक है, और फिर सडनली जो है इनवर्ड कर्व हो जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे कर्व हो रहा और सडनली इनवर्ड कर्व होके फिर वो एक गोल सा ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये वाली इस टाइप की जो बिल्डिंग है ना, ठीक है, कि मतलब यहाँ से तो ये सिलेंड्रिकल लगती है, ठीक है, यहाँ से तो सिलेंड्रिकल लगेंगी, लेकिन नीचे का अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल स्क्वायर वाला स्क्वायर होगा। स्क्वायर इनका जो क्या बोलते हैं ग्राउंड का जो प्लान है वो आपको स्क्वायर दिखेगा, और ऊपर जाती हुई ये आपको सिलेंड्रिकल शेप में दिखेगी ये बिल्डिंग। तो ये इस बिल्डिंग को कहते हैं रेखा दियोल, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ये पहली टाइप की बिल्डिंग है, मतलब कि टेंपल में देखो, टेंपल में अलग अलग शेप की बिल्डिंग्स को मर्ज कर देते हैं, ठीक है, कि मतलब जो गर्भगृह वाली जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसको दूसरी शेप से बना दिया, और जो मंडपा वाली बिल्डिंग है उसको दूसरी शेप दे दी, ठीक है। तो हम बेसिकली अभी यहाँ पर शेप की बात कर रहे हैं, तो रेखा दियोल जो है उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। ये वाली शेप जो है रेखा दियोल की शेप है, मतलब दियोल का मतलब बता देता हूँ मैं। दियोल का मतलब होता है दियोला, जो दियोला होता है वो एक उड़ीसा का वर्ड है, ठीक है, उड़िया का वर्ड है। उसमें दियोला का मतलब होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जिसका एक कोई पर्टिकुलर प्लान है, ठीक है, जिसको एक पर्टिकुलर फीचर है, जो कि हमें काफ़ी सारे टेंपल्स में देखने को मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे टेंपल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। दियोला का मतलब एक बिल्डिंग है बस, ठीक है, ये समझ लो, दियोला का मतलब जो है बिल्डिंग होता है, ठीक है, बिल्डिंग। अब रेखा दियोल जो है, रेखा का मतलब क्या होता है, रेखा जो है, रेखा का मतलब उड़िया में होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। मतलब कहने का ये है कि रेखा का मतलब है स्ट्रेट, तो यानी ये जो ऊपर जाता हुआ ये शिखर सा दिख रहा है ना आपको, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि 90 डिग्री पे राइज हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये कर्व होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कर्व नहीं होता, कर्व तो होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट है, ठीक है। और ये इमेज में देखो यहाँ पर, ठीक है, ये जो इमेज है जगन्नाथ टेम्पल की पुरी में, तो इस इमेज में आप देख रहे हो कितना स्ट्रेट है ये टेंपल, कितना ऊपर का जो शिखर है, कितना लाइक ऐसा लग रहा है 90 डिग्री पर राइज हो रहा है नीचे से, बिल्कुल समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना, ठीक है, इसको कहते हैं रेखा, मतलब रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो रेखा दियोल वाली ये इस बिल्डिंग को कहेंगे रेखा दियोल, ठीक है, रेखा दियोल टाइप ऑफ शेप। दूसरी जो शेप है वो है पीधा दियोल की, ठीक है। पीधा दियोल कौन सी शेप होती है, पीधा दियोल देखो बिल्कुल वैसी ही शेप होती है जैसे हमें क्या बोलते हैं द्रविड़ आर्किटेक्चर में विमान के ऊपर मिलती, मतलब विमान की शेप जो होती है द्रविड़ आर्किटेक्चर में, वैसी ही पीधा दियोल होती है। अब देखो, आप द्रविड़ आर्किटेक्चर हमने नहीं पढ़ा अब तक, तो ठीक है, पीधा दियोल के बारे में बताता हूँ मैं। पीधा दियोल देखो पिरामिडल शेप होती है, बेसिकली पिरामिडल शेप होती है ऐसे, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं पीधा दियोल, ठीक है, पीधा दियोल। पिरामिडल शेप, कर्व नहीं होती बिल्कुल भी, नो कर्विंग, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो ये रेखा दियोल जो होती है उससे कम होती है हाइट में, उससे उससे नीचे होती है, ठीक है, जनरली उससे नीचे होती है हाइट में।
तो मतलब इस टाइप की शेप को बोलते हैं पीधा द्यूल, ठीक है, पीधा द्यूल। ये बिल्डिंग की शेप बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अब उड़ीसा, उड़िया में क्या बोलते हैं, उड़ीसा में टेंपल्स के जो पार्ट्स हैं उसको क्या क्या बोलते हैं उसको मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पीधा द्यूल हमने शेप को देख लिया, ठीक है, इस शेप की बिल्डिंग को पीधा द्यूल कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं खाकरा द्यूल की। देखो ये वाली जो पीधा द्यूल की बिल्डिंग है ना, ये बिल्कुल विमान की तरह है, ठीक है। विमान जो हमें द्रविड़ आर्किटेक्चर में हम देखेंगे, जो विमान होता है, विमान यानी मतलब नगर आर्किटेक्चर में उसको शिखर बोल देते हैं, ठीक है। द्रविड़ आर्किटेक्चर में उसी चीज़ को बोल देते हैं विमान, ठीक है, शिखर को ही विमान बोल देते हैं, ठीक है, द्रविड़ आर्किटेक्चर में। तो विमान जो है, ठीक है, विमान की भी शेप बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है, उसमें कोई कर्व नहीं होता, बिल्कुल जेंटली वो राइज होता है द्रविड़ आर्किटेक्चर में, साउदर्न इंडियन टेम्पल्स में बेसिकली, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा है, पीधा द्यूल की जो शेप है वो बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है, जैसे विमान की होती है द्रविड़ आर्किटेक्चर में। और यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, देखो ये जो है ना, ये है पीधा द्यूल की शेप, ठीक है, ये है पीधा द्यूल, ठीक है, और ये है रेखा द्यूल, ठीक है, रेखा द्यूल, ये पूरा ये रेखा द्यूल ही बोल देते हैं। आप इसको शिखर को बोल लो या पूरे इसको बिल्डिंग को ही बोल लो, ठीक है, रेखा द्यूल टाइप ऑफ शेप, समझ रहे हो। तो पीधा द्यूल, रेखा द्यूल हो गया। खाकरा द्यूल के बारे में बात करते हैं। देखो खाकरा द्यूल जो है ना, खाकरा द्यूल वाली शेप कैसी होती है, अगर आप देखो ऐसे ये, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा, ये जो शेप होती है ना, ये गोपुरम में मिलती है हमें जनरली, साउदर्न इंडिया में आप गोपुरम देखोगे ना, गेटवे के बारे में बात करेंगे तो वहाँ गोपुरम में मिलती है, ठीक है, जो बाउंड्री वॉल का जो दरवाज़ा होता है साउदर्न इंडियन टेम्पल्स में, वहाँ पर हमें ऐसी शेप मिलती है, ठीक है। तो इसी शेप को जो है उड़ीसा में कहते हैं खाकरा द्यूल, ठीक है, खाकरा द्यूल, ठीक है। तो ये हो गया खाकरा द्यूल, समझ लो, यही बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी शेप होती है उसकी, क्या बोलते हैं, गोपुरम की, साउदर्न इंडियन टेम्पल्स में, ठीक है। इसको वेगन वॉल्टेड बोल सकते हो आप, कि ना कर्वी है, ऊपर की तरफ ऐसी कर्व हो रही है, ठीक है, तो वेगन वॉल्टेड शेप भी बोल सकते हो आप इसको। हमने पहले भी पढ़ा है, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया आपको कि वेगन वॉल्टेड शेप किसको कहते हैं, ठीक है, जितना तांगे वाले होते थे पुराने ज़माने में, वो घोड़ा गाड़ी का जो पीछे वाला जो पार्ट होता है, जो एक काइंड जहाँ पर पैसेंजर बैठता है, तो उसका ना उसको क्या बोलते हैं, कवर कर रखा होता है, ठीक है ना, ऊपर से कर्वी होता है वो कर्व। तो ऐसा ही जो है, इसी चीज़ को वेगन वॉल्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है, ये खाकरा द्यूल वाली जो शेप है, इसको आप वेगन वॉल्टेड भी बोल सकते हो, वेगन वॉल्टेड शेप है ये, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब जो मेन टेंपल साइट्स हैं वो हमें एंशिएंट कलिंगा में मिलती हैं, ठीक है, जो मेन टेंपल साइट्स हैं उड़ीसा की, वो हमें एंशिएंट कलिंगा में मिलती हैं। अब एंशिएंट कलिंगा कौन सा वाला रीजन है, एंशिएंट कलिंगा देखो, अगर आप भारत का मैप देखोगे तो ऐसे जो ये इंडिया है ना, ठीक है, भारत का जो मैप है ये, इसमें यहाँ पर जो है आपको मिलेगी गोदावरी नदी, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगी आपको महानदी ऐसे, ठीक है। तो महानदी और गोदावरी के बीच वाला जो एक कोस्टल रीजन है ना, कोस्टल रीजन, इसको कहते हैं कलिंगा, ठीक है, कहते थे कलिंगा इसको, एंशियंट टाइम्स में कलिंगा कहते थे इस रीजन को। और थोड़ा सा अगर आपने अशोका के बारे में पढ़ा है तो आपने कलिंगा वॉर के बारे में भी सुना होगा, कलिंगा वॉर में काफ़ी हत्या करी है उसने, ठीक है, हत्या करके फिर उसको क्या रियलाइजेशन हुआ कि मतलब ना, उसने फिर धम्मा की प्रीचिंग स्टार्ट कर दी, और वो जो हमने क्लास सिक्स में पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है, तो मेरे क्लास सिक्स के वीडियो ज़रूर देखना। तो ठीक है, कलिंगा में बेसिकली जो है मेनली हमें टेंपल साइट्स मिलती हैं, मेन टेंपल साइट्स उड़ीसा की एंशिएंट कलिंगा में मिलती हैं, ठीक है। तो एंशिएंट कलिंगा वाला रीजन मैंने बता दिया आपको। अब क्या है कि ये जो टेंपल्स हैं ना उड़ीसा के, ये बेसिकली ये सब स्टाइल ही है नगर आर्किटेक्चर का, ऐसा नहीं कि कोई नया फॉर्म बन गया है, ये नगर आर्किटेक्चर का ही एक पार्ट है, एक काइंड ऑफ ना, एक मतलब डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी बोलते हो आप, कि हर एक रीजन में अपना अपना एक अलग स्टाइल होता है, ठीक है। लेकिन इनका मेन जो ऊपर का जो ग्रुप है वो नगर आर्किटेक्चर ही है, ठीक है, नगर आर्किटेक्चर वाले टेम्पल ही हैं ये, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें जो आपको सिमिलैरिटी जो है नगर आर्किटेक्चर वाले टेम्पल्स की सिमिलैरिटी मिलेगी, ठीक है, उड़ीसा के टेंपल्स में। सो इट इज़ अ सब स्टाइल ऑफ नगर आर्किटेक्चर, ठीक है, या नगर टेंपल्स का, नगर आर्किटेक्चर का
एक सब पार्ट है, सब ग्रुप है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं आगे कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर आप बता रखा है कि शिखर को ना हम यहाँ पर द्यूल बोलते हैं, ठीक है, उड़ीसा में द्यूल बोलते हैं शिखर को। अब देखो जो द्यूल है ना, बेसिकली वो बिल्डिंग का बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक बिल्डिंग होती है उसको द्यूला बोलते हैं, ठीक है, उड़ीसा में। अब जो ये रेखा द्यूल जो है या पीदा द्यूल जो मैंने बताया आपको, आप देखो इस वाले पार्ट को भी बोल सकते हो या पूरी शेप को भी बोल सकते हो आप, ठीक है, पूरी शेप को भी आप पीदा द्यूल बोल सकते हो, समझ रहे हो, मतलब पूरे बिल्डिंग की जो ये पूरी शेप है इसको बोल सकते हो, या फिर ऊपर का जो पार्ट है उसको आप बोल लो, ठीक है, कि ये पीदा द्यूल टाइप शेप है, ये रेखा द्यूल टाइप शेप है, ठीक है। तो ये जो है ना कि यहाँ पर जो बता रखा है हमें कि शिखर को द्यूल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप विकिपीडिया पे देखोगे तो जो द्यूला होता है, द्यूला बेसिकली एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कहने का मतलब है कि बिल्डिंग एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, द्यूला को आप बस ये समझो कि द्यूला इज़ ए बिल्डिंग, ठीक है। अब उसके आगे जो हम ऐड करते हैं पीदा या खाकरा या रेखा, वो उसका शेप को डिटरमाइन करता है कि उस बिल्डिंग की शेप कैसी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो द्यूला जो है वो अगर आप देखोगे तो उससे पहले हमें क्या मिलता है, मंडपा मिलता है। अब मंडपा जो है वो तो हम नॉर्दर्न इंडिया में कहते हैं, ठीक है ना, मंडपा, लेकिन यहाँ पर सदर्न इंडिया सॉरी उड़ीसा में यहाँ कहेंगे हम जगमोहन, ठीक है। तो जगमोहन की जो शेप होती है वो पीदा द्यूल वाली शेप होती है, ठीक है, जगमोहन जो होते हैं, ठीक है, जगमोहन यानी असेंबली हॉल यानी मंडपा, ठीक है, ये जो है ये जगमोहन ही है, ठीक है, ये जगमोहन है, ठीक है। जगमोहन की शेप कैसी है, पीदा द्यूल वाली शेप है, ठीक है, जगमोहन की जो शेप है वो पीदा द्यूल वाली शेप है, समझ रहे हो। काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, समझ नहीं आता कई बार कि क्या मतलब ना कि किसको क्या कहना है, तो मतलब इसीलिए मैं बता रहा हूँ, द्यूला इज़ अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, द्यूला के आगे अगर आप कोई वर्ड ऐड कर दोगे तो उसका शेप डिटरमाइन कर देगा, ठीक है, बट द्यूला इज़ अ बेसिकली अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर स्टाइल है जो हमें उड़ीसा के टेम्पल्स में मिलता है, ठीक है। तो रेखा द्यूल है तो रेखा द्यूल का ऐसा शेप होगा, ठीक है, पीदा द्यूल है तो ऐसा शेप होगा बिल्डिंग का, खाकरा द्यूल है तो ऐसा शेप होगा बिल्डिंग का, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको, करिए कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं क्लियर कट बिल्कुल एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये जो रेखा द्यूल वाला जो चीज़ है ना, रेखा द्यूल वाला जो शेप है ये आपको क्या बोलते हैं ना कि गर्भगृह वाला जो पार्ट होता है मंदिर का, वहाँ पर मिलेगी ये शेप, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अगर इसमें जगन्नाथपुरी वाला जो टेम्पल है ये, तो इस टेम्पल में ये जो ये वाला जो चीज़ है ना, यहाँ पर है गर्भगृह, ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको गर्भगृह मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है गर्भगृह आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली तो बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा कि रेखा द्यूल जो है, रेखा द्यूल वाली जो शेप है वो हमेशा जो है ना मेन श्राइन होती है टेंपल की, वहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है। रेखा द्यूल वाला जो स्ट्रक्चर है वो मंडपा में नहीं मिलेगा, मतलब कहने मतलब कि जगमोहन पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मंडपा का कुछ जगमोहन कहते हैं, तो जगमोहन में आपको रेखा द्यूल वाला शेप नहीं मिलेगा, ठीक है, रेखा द्यूल वाला शेप आपको मेन श्राइन में मिलेगा, ठीक है, जगमोहन में आपको पीदा द्यूल वाली शेप मिलेगी, ठीक है, उड़ीसा के टेम्पल्स में। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या है कि जो एक ग्राउंड प्लान होता है ना, जो ये नीचे का जो प्लान है बेसिकली वो क्या होता है कि स्क्वायर होता है, ठीक है, और ऊपर जाते जाते ये जो है वो सिलेंड्रिकल बन जाता है, ठीक है, यानी सर्कुलर बन जाता है, मतलब सर्कुलर शेप बन जाती है। अब यहीं पर ये दिख रहा है, ठीक है, यहीं पर आप देखो कि यहाँ पर नीचे जो है ना, यहाँ पर नीचे मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे जो है ना ये तो स्क्वायर होगा, ठीक है, और ऊपर जाते जाते ना, ऊपर जाते जाते ये देखो यहाँ पर जो है सर्कुलर हो गया है, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर हो जाता है चीज़, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये नीचे का ग्राउंड प्लान है ना, जो ग्राउंड का जो एक आर्किटेक्चरल प्लान होता है वो है स्क्वायर, ठीक है, और जो ऊपर जाते जाते हम देखते हैं कि जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये राउंड हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट राउंड हो गया पूरा ना, यहाँ पर जाते जाते जो है नीचे से स्क्वायर था, ऊपर जाते जाते अगर आप देखोगे यहाँ पर राउंड है बिल्कुल, ठीक है, राउंड सा है, ठीक है, कोई स्क्वायर शेप नहीं दिख रही आपको यहाँ पर, लेकिन नीचे यहाँ पर अगर देखोगे
ठीक है, तो आपको स्क्वायर शेप दिखेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप दिखा बन जाती है, मतलब ठीक है ना कि सर्कुलर बन गया, तो मतलब सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल बोल सकते हो आप उसको, लाइक अ सिलेंडर दिखता है वो। अब एक बात है यहाँ पर, आप नोटिस करोगे कि जो ये एक्सटीरियर है इन टेम्पल्स का, वहाँ पर काफ़ी सारी कार्विंग करी गई है, लेकिन अगर इंटीरियर की बात करें तो वहाँ पर बहुत कम कार्विंग है, ठीक है, लाइक बिल्कुल ऑलमोस्ट प्लेन ही मान लो आप अंदर की तरफ, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। फिर इसके बाद में आप बाउंड्री वॉल भी देखोगे, ठीक है, बाउंड्री वॉल्स भी हैं यहाँ पर, जनरली पाई जाती हैं, लेकिन अगर नगर टेम्पल में नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है बाउंड्री वॉल नहीं मिलती, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाउंड्री वॉल्स द्रविडियन सदर्न इंडियन टेम्पल्स में तो मिलती है, नगर टेम्पल नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा टेम्पल में एक फ़ीचर है, स्पेशल फ़ीचर कि बाउंड्री वॉल भी आपको मिलती है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कोणार्क टेम्पल के बारे में, ठीक है, जो कोणार्क में जो सन टेम्पल है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, सूर्य टेम्पल जो कोणार्क में हमें देखने को मिलता है। अब बात क्या है कि ये जो सूर्य टेम्पल है ना जो कोणार्क में मिला है, इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल पाया। बेसिकली जो है इसका मेन जो श्राइन होती है वो हमें नहीं मिल पाई, हमें बस जो है इसका जगमोहन मिला है, ठीक है, जगमोहन यानी मंडपा, ठीक है, जहाँ पे मतलब लोग गैदर होते हैं या डांस ऑर्गेनाइज होते हैं, तो हमें सिर्फ जगमोहन मिल पाया है कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल का जो सब सूर्य टेम्पल जो है वो कोणार्क में जो है उसका हमें सिर्फ जगमोहन मिल पाया है, ठीक है, और उसका जो मेन जो क्या बोलते हैं मेन श्राइन जो होती है वो हमें नहीं मिल पाई, काफ़ी सारी चीज़ हमें काफ़ी सारा स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल पाया, ठीक है, टूट गया ओवर द टाइम जो है। तो अब ये जो टेम्पल है सूर्य टेम्पल कोणार्क वाला, ये 2240 में बनाया गया था, ठीक है, पत्थर से बना था 2240 में, 1240, ठीक है, 1240 AD में, ठीक है, सन टेम्पल एट कोणार्क, ठीक है, याद रखना कब बना था, 1240 AD के आसपास बना था सूर्य टेम्पल और सन टेम्पल, ठीक है, जिसका हमें सिर्फ जगमोहन मिला है, ठीक है, और उसकी मेन श्राइन नहीं मिली, मेन श्राइन जो होती है उसका शिखर जो होता है बेसिकली वो नहीं मिला। कहने का मतलब क्यों, मतलब क्या रीज़न क्या है बेसिकली, क्योंकि जो उसका शिखर था वो काफ़ी लंबा था, ठीक है, 70 मीटर, 70 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर आप देखोगे ऊँचाई के हिसाब से तो 70 मीटर बहुत हाइट होती है, इतनी हाइट जो है वो जो शिखर है इसीलिए मतलब वहाँ पर रह नहीं पाया, ठीक है, वो टूट गया बेसिकली, ठीक है, काफ़ी हैवी हो गया था। तो चलो ठीक है, ये हमने बात कर ली, अब आगे बात करते हैं जो ये सन टेम्पल है कोणार्क की, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमें देख भी रखा है सन टेम्पल एट कोणार्क, स्टार्टिंग में दे रखा है, देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये जो इमेज है ये है सन टेम्पल एट कोणार्क, ठीक है। अब ये जो हमें चीज़ दिख रही है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मंडपा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखने में तो शुरू में ऐसा लगता है कि ये यही मेन श्राइन है, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ लग रहा है इसका देखने में भी, तो मतलब मेन श्राइन लगती है, लेकिन एक्चुअली ये मंडपा है, ठीक है, ये मेन श्राइन नहीं है, ये मतलब इससे भी ऊँचा था बहुत जो मेन श्राइन था, ठीक है, जो शिखर बोल लो आप उसको, या फिर मतलब जो रेखा द्यूल वाली जो शेप थी, जो रेखा द्यूल वाला शेप हमें यहाँ पर मिलती है वो बहुत ऊँची थी, ठीक है। तो अब ये जो सन टेम्पल है, ठीक है, इसकी फ़ीचर क्या है, इसके फ़ीचर बताता हूँ। सबसे पहला जो है ना, आप सन टेम्पल इसको क्यों बोलते हैं, देखो सन टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सन गॉड से, भगवान सूर्य से इसको रिलेट किया गया है। अब रिलेट कैसे किया गया है, यहाँ पर जो है ना, अगर आप यहाँ पर स्टेयर हैं, ठीक है, ये जो सीढ़ी सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं, तो मैं ब्लैक पेन से दिखाता हूँ, ये जो ब्लैक पेन से मैंने डिनोट किया ना, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको व्हील देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसकी अगर आप दूसरी इमेज देखोगे विकिपीडिया पे, तो आप पाओगे कि यहाँ पर आपको व्हील्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसे व्हील्स मिलेंगे। अब वो जो व्हील है ना, उसमें व्हील में स्पोक्स दिखेंगे आपको, ठीक है, ऐसे स्पोक्स दिखेंगे व्हील के अंदर, तो मतलब कि ये जो व्हील बना रखे हैं यहाँ पे, ये क्या दर्शा रहे हैं, ये भगवान सूर्य के रथ को दर्शा रहे हैं, ठीक है, भगवान सूर्य का जो रथ होता था, ठीक है, वो 7 घोड़ों से चलता था, 7 horses, ठीक है, 7 horses, 7 घोड़े, तो उस उनके रथ में जो है 12 पहिए होते थे, ठीक है, 12 wheels, तो उन 12 पहियों को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है, तो
तो मतलब कि ऐसे जहाँ पर मैंने बना रखा है ना ब्लैक से, ये तो यहाँ पर आपको पहिए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली कि ये पूरा जो टेम्पल है ना, ये पूरा जो टेम्पल है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि भगवान सूर्य का रथ जो है, रथ दौड़ते हुए दर्शाता है, ठीक है। कि पूरा टेम्पल जो है, इट्स लाइक अ चैरिएट, ठीक है ना, चैरिएट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, रथ को। तो ये चैरिएट को दर्शाता है, ठीक है, ये पूरा मंदिर जो है चैरिएट को दर्शाता है। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है चलो, ये यहाँ पर वही बात कर रखी है जो मैंने अभी आपको समझाई है चैरिएट के बारे में। अब एक बात आपको देखनी है यहाँ पर कि जो ये टेम्पल है, इसके सदर्न वॉल पे आपको एक स्कल्पचर मिलेगा, ठीक है, भगवान सूर्य का, जो कि ग्रीन पत्थर में स्कल्प्ट किया गया है। माना जाता है कि यहाँ पर जो है और भी मतलब और दो इमेजेस थी यहाँ पर, ठीक है, भगवान सूर्य से रिलेटेड ही, जो अलग अलग दीवारों पे मतलब अलग अलग साइड में बनाई गई थी, ठीक है। सदर्न वॉल पे तो हो गया ये ग्रीन ग्रीन स्टोन में, ठीक है, स्कल्प किया हुआ। और दो जो वॉल हैं, और दो जो साइड हैं, उन पर भी इमेजेस थी, ठीक है, ऐसा ऐसा माना जाता है। और जो चौथी इमेज है उस पर, जो चौथी साइड है वहाँ पर डोरवे है, ठीक है, जहाँ से सनरेज जो है वो एंटर करती है गर्भगृह में, ठीक है। तो ऐसी बात है, समझ रहे हो, तीन वॉल पे जो है स्कल्पचर, मतलब मानते हैं कि दो वॉल्स पे होता था, एक वॉल पे तो हमने हमें मिलता है, ठीक है, एक वॉल पे तो हमें देखने को मिलता है ग्रीन कलर में, ग्रीन स्टोन में, लेकिन दो वॉल्स जो हैं बची हुई उन पर भी जो है माना जाता है कि वहाँ पर भी क्या बोलते हैं वो था, पत्थर था, मतलब स्कल्पचर था, ठीक है, स्कल्प्ट किया गया था, ठीक है, भगवान सूर्य की इमेज को। और जो चौथी साइड है जहाँ पर दरवाज़ा है, ठीक है, ईस्ट फेसिंग, ठीक है, क्योंकि जो सनराइज़ है वो ईस्ट से ही तो एंटर करेंगी, ठीक है, सन जब राइज़ होगा तो ईस्ट से तो राइज़ होगा, तो जब एंटर करेंगी सनराइज़ तो ईस्ट फेसिंग है टेम्पल, ठीक है। तो मतलब कि चौथी जो साइड है वहाँ पर हमें दरवाज़ा मिलता है जहाँ से जो है सनराइज़ डायरेक्टली एंटर करती है गर्भगृह में, ठीक है। तो आई होप कि सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, हमने एक एक जो चीज़ है यहाँ पर डिस्कस कर ली है, बिल्कुल क्लियरिटी से डिस्कस करी है, ठीक है, इतनी क्लैरिटी मतलब कि कोई भी आपको डाउट रहना नहीं चाहिए अब, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा आपको, मैंने सारी शेप्स बता दी हैं, ठीक है, मैंने फीचर के बारे में बता दिया है कि क्या क्या फीचर्स होते थे इन टेम्पल्स में, ठीक है। एक बात मैं एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो दियुला है, दियुला मैंने बताया है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, अब दियुला को जो है यहाँ पर शिखर कहा गया, तो ठीक है आप शिखर भी कह सकते हो, ठीक है, दियुला को, क्योंकि आप अगर विकीपीडिया पे भी देखोगे कई जगह पे, तो जो रेखा दियुला है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स में हमें शिखर, कई सारे शिखर मतलब क्या बोलते हैं ना कि बता रखे हैं, लाइक शिखर ऑफ दिस टेम्पल, शिखर ऑफ दैट टेम्पल। सो कहने का मतलब ये है कि मतलब शिखर को भी आप जो है शिखर को दियुला कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज़ अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, कि मतलब कोई भी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है उसको आप दियुला कह सकते हो। तो मतलब कि शिखर इज़ कॉल्ड एज दियुला, आप ये, ठीक है, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, कि मतलब शिखर इज कॉल्ड एज दियुला इन उड़ीसा, ठीक है। दियुला का बेसिक मतलब जो है वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही होता है, कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो एक पर्टिकुलर स्टाइल में बनाई गई हो, ठीक है। तो मतलब जनरली अगर आप देखोगे तो दियुला कह देते हैं, ठीक है, मेन दियुला कह देते हैं, कई बार आप देखोगे लिखा हुआ तो आपको मिलेगा कि दिस इज़ द शेप ऑफ मेन दियुला, मेन दियुला यानी मेन शिखर जो है, मेन शिखर बोल लो आप, दियुला बोल लो आप उसको, ठीक है, क्योंकि मंडपा को तो जगमोहन बोलते हैं, ठीक है ना, मंडपा के लिए जो है आप या तो पीदा दियुल बोलोगे उसको, या फिर आप उसको जगमोहन बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दियुला बोलते हो, बेसिकली आप दियुला अगर आप देखोगे तो आपको मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे दियुला जो है वो शिखर को डिनोट करता ही मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि दियुला को जो शिखर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जनरल मीनिंग बताया आपको कि दियुला को उड़ीसा में क्या बोलते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। अब शिखर भी एक बिल्डिंग ही तो है, शिखर भी एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही तो है, समझ रहे हो, शिखर मतलब अनविजिबल चीज़ थोड़ी ना है, इनविजिबल चीज़ थोड़ी ना है शिखर, समझ रहे हो, शिखर भी एक बिल्डिंग ही तो है, उसको ईंट से बनाया गया, पत्थर से बनाया गया, स्कल्प्ट किया गया है। तो मतलब कहने का ये है कि शिखर को जो है दियुला कहते हैं उड़ीसा में, ठीक है।
आप उस शिखर को क्या बोलते हैं, दियुला को बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी आपको दिमाग में रखना है, शिखर कहते हैं उसको, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है और ऑलमोस्ट हर जगह अगर आप देखोगे इंटरनेट पे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, कि दियुला बोला गया है शिखर को, सो रिमेंबर इट, ठीक है, शिखर इज कॉल्ड एज दियुला इन उड़ीसा। तो यहाँ पर जो है सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया, आई होप सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।